Welcome students, today I am going to introduce a new topic under partnership retirement, and that is calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. आज हम आपके सामने में retirement of partnership के अंतर्गत नए अनुपात की गणना और gaining ratio की गणना की जानकारी लेकर के आए हैं. इस present video में हम आपके सामने में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डिफरेंट कंडीशन या केसेस का एग्जांपल के साथ प्रेजेंटेशन देंगे. ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी इफेक्टेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में साझेदारी व्यवसाय का हर कोना प्रभावित होगा. इट मीन्स ईच एंड एवरी अकाउंटिंग प्रोसेस इफेक्टेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. एकदम स्पष्ट हो गया इससे कि रिटायरमेंट के कारण निश्चित रूप से हर अकाउंटिंग हमारा प्रभावित होगा. इसी कारण से इसी कड़ी में इसी क्रम में हमारा पहला जो स्टेप है कॉर्नर है अकाउंटिंग प्रभावित होने से संबंधित वह है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसा कि हम जानते हैं आज तक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ऑल पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें से कोई एक पार्टनर सेपरेट हो रहा है अलग हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर इसके बारे में डिफरेंट कंडीशन या केसेस आपके क्वेश्चन में दिए जाते हैं. एक एक करके हम विस्तार से सभी केसेस की चर्चा इस प्रेजेंट वीडियो में लेकर के आए हैं. सबसे पहले जैसा कि स्पष्ट रूप से बतलाए कोई पार्टनर निकल रहा है तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर अपने रिमेनिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सी स्थिति है. इस कंडीशन में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके नाम और रेशियो को हटा देंगे. रिमेनिंग पार्टनर नेम एंड देयर रेशियो विल बी न्यू रेशियो. और जहाँ तक गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात है आपको हम पहले से बतलाए हुए हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी पॉजिटिव इफ पॉजिटिव रिजल्ट विल बी सैक्रिफाइस इफ नेगेटिव रिजल्ट विल बी गेन. इस तरीके से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन दूसरा कंडीशन है हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो और वो कहे कि इंटायर शेयर जो है हम किसी एक पार्टनर को देंगे दूसरे पार्टनर से उसका कोई संबंध शेयर लेने में नहीं है. तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा साथ में गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा इसकी भी हम जानकारी देंगे. हो सकता है क्वेश्चन में कहा जाए कि जो रिटायर पार्टनर है अपने शेयर को एक डिफरेंट रेशियो से जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उससे नहीं कुछ अलग रेशियो से रिमेनिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करता है. इस कंडीशन में भी नए पार्टनर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा इन सब की जानकारी विस्तार से विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला कंडीशन है When retired partner share distributed in between remaining partner in their existing ratio जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए बी सी आर पार्टनर विथ 3:2:1 रेशियो सी रिटायर्स कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सिंपली क्वेश्चन में ऑल पार्टनर रेशियो दे दिया है
और उसमें से किसी पार्टनर के रिटायर्ड का इन्फॉर्मेशन है, रिटायरमेंट का इन्फॉर्मेशन और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर है रिमेनिंग पार्टनर में उसके एग्जिस्टिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस कंडीशन में बिल्कुल ही साधा सरल सा पोजिशन है, सिंपल सा कंडीशन है। इस कंडीशन में जैसा कि हम पहले ही बतलाए रिटायर्ड पार्टनर नेम एंड देयर रेशियो को हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर नेम एंड देयर रेशियो विल बी न्यू रेशियो। हमारे कहने का मतलब ये है कि ए और बी सी, ए बी सी का रेशियो है 3:2:1, इसमें से सी रिटायर कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, उसका रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो गेनिंग रेशियो भी यही निकल करके आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे एग्जांपल के इसी को इसको हम क्लियरली बतला दें, गेनिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करके बतला देते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल टू एज गेन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो एक आया 3:6 माइनस न्यू 3:5, 30 हमारा एलसीएम हो गया, 5 + 5 = 15, 6 = 18 माइनस 3:30। इसी तरीके से 20 गेन 2:6 माइनस 2:5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका भी एलसीएम 30 है, 10 - 12 = -2:30, 30 कॉमन है, रेशियो हो गया 3:2 और माइनस में है इसका मतलब गेन है। ये गेन का रेशियो है, ये गेन का पोजीशन है, ये गेनिंग रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो भी क्या निकला, 3:2 जैसा कि बतलाए। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो भी बिल्कुल सरल है निकालना, और गेनिंग रेशियो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। रिमेन न्यू रेशियो विल बी ऑल्सो विल बी गेनिंग रेशियो। ये सिंपल सा पोजीशन है। कंडीशन सेकेंड देखते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है वह अपना शेयर किसी एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर को दे देता है, सिर्फ एक को देता है। तो इस कंडीशन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में या इस कंडीशन को हम पहले बतला दें। व्हेन न्यू पार्टनर रेशियो, सॉरी रिटायर्ड पार्टनर रेशियो, व्हेन रिटायर्ड पार्टनर रेशियो टेकन बाय एनीवन ऑफ एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर फॉर 3:2:1 रेशियो। सी रिटायर्स, एंड हिज शेयर, ए कंडीशन टेकन बाय ए, बी कंडीशन टेकन बाय बी कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।
इस कंडीशन में, कंडीशन ए में देखते हैं, ए कंडीशन ए पॉइंट में, अगर सी का शेयर कौन ले लेता है, ए लेता है। इफ सीज शेयर टेकन बाय ए, इस कंडीशन में न्यू रेशियो होगा ए का, ओल्ड रेशियो है 3/5, 3/6 प्लस सी का रेशियो ए को मिलता है 1/6, 4/6। बी का रेशियो था 2/6, इसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर इसका हो गया 2/6, और सी तो रिटायर कर गया है। इस तरीके से ये न्यू रेशियो है। अब यहीं पर गेनिंग रेशियो अगर हम निकालना चाहें, ए का गेनिंग हो जाएगा ओल्ड रेशियो 3/6 - 4/6 इक्वल टू -1/6। बी का ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 2/6, नो गेन, ये हो गया गेन, ये हो गया नो गेन नो सैक्रिफाइस, सिर्फ ए ले रहा है तो निश्चित रूप से ए गेन करेगा। यही बी कंडीशन में अगर हम देखें तो बी कंडीशन में कौन ले रहा है, सी ले रहा है। बी कंडीशन में टेकन बाय बी, ठीक है, सी का शेयर बी ले रहा है, तो न्यू रेशियो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या है कंडीशन, टेकन बाय बी, सीज शेयर टेकन बाय बी, इस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या होगा, ए का एज न्यू 3/6 प्लस नथिंग, न्यू रेशियो 3/6, बीज न्यू रेशियो 2/6 प्लस 1/6, 3/6, गेनिंग की बात करें अब हम, ए का 3/6 माइनस 3/6, जीरो, नो गेन नो सैक्रिफाइस, बी का 2/6 माइनस 3/6, 1/6 निगेटिव है गेन, सिर्फ सी बी एक्वायर कर रहा है इसलिए बी का गेन आएगा, यहाँ ए एक्वायर कर रहा है तो यहाँ पर टेकन बाई या एक्वायर्ड बाई कुछ भी लिख सकते हैं, एक्वायर्ड बाई ए, टेकन बाई और एक्वायर्ड बाई बी, बी कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में क्या कैलकुलेशन ऑफ कैसे होगा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की जानकारी हम दिए। अब एक और कंडीशन बच जाता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में, जबकि एग्जिस्टिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को एक नए रेशियो से शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस कंडीशन एक्वायर करता है, तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे होगा, इसी की जानकारी अब हम अगले एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने में पेश करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर टू। कंडीशन थ्री में व्हेन रिटायर्ड पार्टनर शेयर और रेशियो एक्वायर्स बाय रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू रेशियो, जो पुराना रेशियो है उस एग्जिस्टिंग रेशियो से नहीं लेता है, एक नए रेशियो से उसके शेयर को अगर एक्वायर करता है लेता है, तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम किसको क्लियर करने जा रहे हैं, ए बी सी आर पार्टनर फॉर 3:2:1 रेशियो, बी रिटायर्स
and his share acquires by A and C in equal ratio. बराबर अनुपात में लेता है या 2:1 का रेशियो में लेता है, कुछ भी बोल सकता है, बात एक ही है, इक्वल मीन्स 1:1। इस कंडीशन में कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एज न्यू रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले ए कितना एक्वायर करता है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें एक्वायरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्वायरिंग पार्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं बी रिटायर कर रहा है, बी का रेशियो क्या था 2:6, इसको एक्वायर करता है ए और सी इक्वली मीन्स 1:2 1:2 2:12, इसका मतलब एक्वायर्ड बाय ए एंड सी बोथ, दोनों इतना ही ले रहा है। तो एज न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3:6 प्लस 2:12, 12 LCM हो गया 6+2। इसी तरीके नेक्स्ट हो जाएगा C इज न्यू रेशियो, C का ओल्ड क्या था 2:6, C का ओल्ड था 1:6 प्लस एक्वायर कर रहा है 2:12, 12 LCM हो गया 2+2 4:12। तो इस तरीके से न्यू रेशियो आ गया हमारा 8:4 और 2:1, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब इसी तरीके से इसका गेनिंग रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो देखिए गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। ए का गेन क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो क्या है 3:6 माइनस न्यू 2:3 6 LCM 3-4 -1:6 गेन। सी का क्या है गेनिंग रेशियो, गेनिंग सी का ओल्ड रेशियो था 1:6 -1:3 6 LCM 1-2 -1:6 गेन 1:1 इक्वल टू गेनिंग रेशियो। इस तरह से गेनिंग रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, रिटायरमेंट चैप्टर में आप जाइए, चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया। कोई भी बुक हो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रखिए, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ गुडविल की अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इसकी भी जानकारी हम डिटेल में विस्तार से अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो अगला वीडियो दो टॉपिक को लेकर के आएगा, एक तो कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों की पूरी जानकारी विस्तार से अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो आपको मालूम है क्लास 11 से लेकर के एमकॉम लेवल तक के चैप्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, साथ ही साथ CA, CS, ICWA, इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर हो, चाहे BBA हो, चाहे MBA हो,
हर जगह अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, और जहाँ भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है हमारा वीडियो निश्चित रूप से, अदर देन एकेडमिक जहाँ भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो है क्लास 11 या सेमेस्टर 1 का, वो यूज़फुल होगा, या 12 का। अदरवाइज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स है हम आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में अपने वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और रेगुलर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।